ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा राखी लुक। मैं राखी में क्या पहनने वाली हूँ, कैसे एक्सरसाइज करूँगी और क्या चीज़ें मैं कैरी करने वाली हूँ। बहुत इजी और एलिगेंट लुक है ये। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कर लेते हैं मेकअप। और मैंने बेस पे लगाया है सिर्फ बीबी क्रीम। ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया है कि बीबी क्रीम को कैसे यूज़ करना है एज अ फाउंडेशन। एंड अब मैं आई शेडो लगा रही हूँ और नायका का आई शेडो पैलेट लिया है। सिर्फ दो कलर यूज़ करके ही मैं ट्रांजिशन शेड क्रिएट करूँगी एंड दैट्स इट, कुछ भी और नहीं। और फिर बाद में हाईलाइटर लगा लूँगी हाईलाइट करने के लिए। तो इंस्टेंट फ्रेश एंड ब्रीजी लुक के लिए आप पीच एंड ब्राउन का कोई शेड यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करो और ट्रांजिशन क्रिएट करो अपने आईज पे एंड दैट्स इट। इसके बाद थोड़ा सा स्मोकी लुक देना है, बट बहुत ज़्यादा आईलाइनर मत लगाओ आप। तो आप कोई भी काजल का यूज़ कर सकते हो थोड़ा स्मोकी लुक देने के लिए, या फिर कोई आई पेंसिल यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर के कॉस्मेटिक का ये आई शेडो स्टिक यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा लगाने के बाद आपको फिर फिंगर से इसे स्मच कर देना है। ऐसे आपको अपनी आईलिड्स पर इसे अप्लाई करना है कॉर्नर से। आउटर कॉर्नर पर आपको ज़्यादा लगाना है, इनर साइड में आपको स्मच कर देना है। तो बस इतने से ही काफ़ी अच्छा सा यू नो स्मोकी सा लुक आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आप मस्कारा लगा सकते हो एंड काजल लगा सकते हो अगर आपको नीड लगती हो। तो मैं बस इतना ही कर रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ नायका का कर्ल मस्कारा या अफोर्डेबल भी, और बहुत सही से अप्लाई हो जाता है। बहुत अच्छा कर्ल एंड वॉल्यूम भी देता है एंड बहुत इजीली आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। पानी से रिमूव नहीं होता बट आराम से आप इसे रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको लगा लो और बहुत ही फ्रेश आई लुक आपको मिल जाएगा इसे यूज करने के बाद। सो अपर आई लैशेज एंड लोअर आई लैशेज पे कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेच करके अच्छे से लगाना है। दो तीन स्ट्रोक आपने लगा लिया और बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। चलो अब इसके बाद में ब्लशन भी अप्लाई कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर नायका का ब्लशन यूज़ कर रही हूँ, ये ड्यूअल शेड है और दोनों शेड को मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा पिंक कलर आ जाएगा चीक्स पे अगर आप इसे अच्छे से अप्लाई करोगे। मेक श्योर आपने एक ब्रॉड ब्लशन ब्रश लिया है जिससे कि आपको ज़्यादा ब्लश लगाने की नीड नहीं होगी और इवनली बहुत अच्छा सा लुक आएगा। नाउ मैंने पिक किया है पिंक का, बहुत ही प्यारा सा न्यूड शेड है मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक में। माई शेड इज़ बेस्ट पेप 06 एंड बहुत प्यारा सा न्यूड कलर है। तो आप इस तरह का न्यूड पिंक शेड अप्लाई कर सकते हो, ये हर तरह के स्किन टोन को जाता है। एंड रक्षाबंधन थोड़ा सा ब्रीजी टाइप का फेस्टिवल है, तो इसमें आप मेकअप को आपके लिपस्टिक को जितना लाइट रखोगे जितना डाउन रखोगे ना उतना ही ज्यादा आपका लुक उठ के आएगा और आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी दिखोगे। अब हेयर स्टाइल का क्या करें, तो क्या करना है आपको, या तो आप ओपन स्ट्रेट हेयर कर लो या फिर आप पूरा बाल लपेट करके ना एक अच्छा सा बन बना लो। बस सबसे ज्यादा झंड का काम ये हेयर स्टाइल वाला ही होता है। सो इस राखी मैंने सिलेक्ट किया है पेस्टल पिंक एंड ब्लू कलर का ये प्यारा सा कुर्ता सेट। एंड आप भी ब्लू एंड पिंक कलर को ट्राई कर सकते हो, या फिर आपके वार्डरोब में कोई भी पेस्टल कलर का कुर्ता सेट या कोई आउटफिट है तो उसे वार्डरोब से बाहर निकालो और इस रक्षाबंधन उसे स्टाइल करो ब्यूटीफुल एक्सेसरीज के साथ। लकीली मुझे इस सूट के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक इयररिंग भी मिल गई मेरे कलेक्शन में। तो बस इसी तरीके से आपको कुछ जुगाड़ बिठाना है और मिक्स मैच करके अपना लुक क्रिएट करना है। तो इयररिंग बहुत सही लग रही थी। तो बैंगल्स भी मैंने मेरे चूड़ा सेट से ही निकाल ली, कुंदन की बैंगल्स हैं और काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। और अभी तो कुंदन वाली बैंगल्स बहुत ट्रेंड भी कर रही हैं और कुंदन की ही रिंग कैरी करी हुई है। एंड साथ में मैंने मॉफ कलर की ड्रेस बेरी ब्रांड की बहुत ही प्यारी सी क्लासी सी रिस्ट वॉच कैरी करी हुई है एक हाथ में। तो ये पूरे लुक के साथ में बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब आपको फुटवेयर भी अपने आउटफिट के हिसाब से ही सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑफ व्हाइट एंड गोल्ड कलर का ये मोजरी सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरे आउटफिट में कुछ गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये उससे थोड़ा सा यू नो कॉम्प्लीमेंट करने लग गया, कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया अच्छा सा और बहुत ही प्यारा ओवरऑल लुक क्रिएट हो गया। तो चलो अब अगर आप अपने भाई को राखी बांधने कहीं बाहर जा रहे हो तो कोई क्लच या फिर बैग लेना मत भूलना। और मैंने मेरी आउटफिट के साथ में टीम अप किया है इस ब्यूटीफुल से ऑफ व्हाइट एंड गोल्डन कलर के पोटली बैग को, दैट इज फ्रॉम द ब्रांड मेट्रो। और ये मैंने मिंत्रा से ही परचेज किया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। नाउ दैट्स इट, आई एम रेडी। गाइज दिस इज इट। और इस तरह के बहुत सारे स्टाइलिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।